नया बिजनेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। क्या हालचाल है दोस्तों? दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ कुछ नया आइडिया आपके लिए। जी हाँ, और बिल्कुल आप अपने घर बैठे ही, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, वैसे आपको भी पता है अभी मोदी जी ने 3 मई तक एक्सटेंड कर ही दिया है, और क्या पता आगे भी और 5-10 दिन मतलब और भी बढ़ जाए 3 मई के बाद में भी, तो तब तक हम घर बैठे कुछ नया स्किल सीखे। तो आज दोस्तों मैं आपसे जो मतलब बिज़नेस की बात कर रहा हूँ वो आयुर्वेदा बेस्ड बिज़नेस है और हाई ग्रोइंग बिज़नेस है, आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के देगा। और दोस्तों वीडियो अंत तक देखना क्योंकि मैं बीच में टिप्स भी देने वाला हूँ। ये दोस्तों आज जो मैं बिज़नेस बताने वाला हूँ उसका रॉ मटेरियल है गेहूँ, और गेहूँ आपको पता है हर घर पर अवेलेबल है और बेस है आयुर्वेद। और आपको पता होगा कि मतलब आयुर्वेदा की आजकल डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, उसका कारण है जंक फूड। आज दुनिया में एक साइड में जितना जंक फूड पॉपुलर है उसी के साथ साथ में आयुर्वेदा भी पॉपुलर है। क्यों बोले तो जंक फूड का तोड़ आयुर्वेदा के पास ही है। तो जो इस इंडस्ट्रीज़ के पास में जो जे कर्व है, जो ग्रोथ है, वो की वो जे कर्व, वो का वो ग्रोथ आप अपने बिजनेस में भी, हम खुद भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो अपने को लेना क्या है? सिर्फ गेहूँ, और गेहूँ को लेना है, और उस गेहूँ का मतलब जो ये बिज़नेस है उसकी जो ग्रास होती है उस ग्रास को पीस के मार्केट में बेचना है। अभी आप सोचोगे यार ये क्या बिज़नेस है, पहले तो आप इसके फ़ायदे देख लो, अपने स्क्रीन पे चल ही रहे। रही बात ये जो बिज़नेस है, ये जो है मतलब मार्केट में ऑलरेडी कोई 3500 रुपये के जी या 3000-4000-5000 के जी तक बिक रहा है, और ऑलरेडी दुनिया वैसे एलोपैथी से के जहर से परेशान है। तो अगर वहाँ पर परेशानी है तो उसका सोल्यूशन आयुर्वेदा के पास है, और इसीलिए आयुर्वेदा चल भी रहा है। तो आज अपने को जो गेहूँ लेना है वो अपनी स्क्रीन पर है। तो उस गेहूँ को भिगो के मतलब गेहूँ लेके एक समझो कि 2 किलो गेहूँ से 1 केजी ग्रास बन ही जाएगी। तो स्टार्टिंग में ट्रायल के लिए 100 ग्राम गेहूँ ले लो, और उसके बाद में उसको एक रात के लिए भिगो के रख दो, और स्प्राउट हो जाएगी वो दूसरे दिन। स्प्राउट होने के बाद में एक मिट्टी में उसको ग्रोथ के लिए छोड़ दो, 1 वीक में वो आपकी ग्रास तैयार हो जाएगी। आपके सामने ऑलरेडी ग्रास तैयार हो चुकी है। तो देखिए जो ये ग्रास है, ये ग्रास की एज मतलब अपने को 7 दिन तक ही ग्रास ग्रोथ के लिए छोड़ना है। 7 दिन में ये जो ग्रास ऐसी हो जाएगी उसके नीचे येलो शेड रहेगा, ऊपर पूरा ग्रीनिश रहेगा। तो जो नीचे की येलो को छोड़ के पूरा ग्रीन शेड है उसको कटिंग कर देना है और सुखाने के लिए रख देना है, और फिर सूखने के बाद में आपको मिक्सी में पीसना है। आप मिक्सी में जैसे ही उसको पीसोगे पाउडर बन जाएगा, जो अभी पाउडर फॉर्म में आपके सामने रेडी है। और उसको फिर एक बारीक कपड़े में भी छान के फिर भी मतलब एकदम पाउडर ही होना है, और आप उस पाउडर बना के उस पाउडर को बेच दो। ये जस्ट मतलब मेक एंड पैक वाला बिजनेस हो गया। और अब इसको आप पैकिंग के लिए, बॉटलिंग के लिए चाहिए। अगर बॉटलिंग समथिंग अट्रैक्टिव होगी तो अपना माल बहुत धड़ल्ले से बहुत स्पीड से बिकेगा, आपको भी अगर मेरे हिसाब से कुछ लग रहा होगा। और अगर आप सोचो कि यार बॉटल में क्यों खर्चा करें, तो कवर पैकिंग भी कर सकते हैं, और कब फिर जाइए मार्केटिंग के लिए, आपका बिज़नेस 100% चल पड़ेगा। दोस्तों ये का मतलब साइड जॉब, जो आप मेन जॉब कर रहे हो उसको छोड़ के साइड में भी दूसरा काम के जैसा भी ये कर सकते हो। और वैसे आपको पता है मार्केटिंग के लिए आप चाहोगे तो FMCG वाले जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो ऑलरेडी सब मतलब इस कंपनी वालों की मनमानी से परेशान है। सिर्फ मैन्युफैक्चरर को छोड़ के FMCG सेक्टर में या आयुर्वेदा सेक्टर में जो दवाइयाँ बेचते हैं उनमें सिर्फ मैन्युफैक्चरर को छोड़ के बाकी सभी दुखी ही रहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर भी चल ही रहा है। तो उनकी जो सैडनेस है उनको हम हैप्पीनेस में बदलेंगे तो हर एक व्यापारी, हर एक मतलब जो दुकानदार है वो अपने से माल लेगा ही लेगा। और अगर एक बार अपना प्रोडक्ट चल पड़ा ना दोस्तों, तो बॉक्स भर भर के हम खुद भी उनको माल सप्लाई दे पाओगे और कर पाओगे, और अपने को ऑर्डर आएगा ही आएगा। दोस्तों इसमें लगने का क्या है, सिर्फ 2 किलो गेहूँ बोले तो 70 रुपी, और 30 रुपये का एफर्ट्स हो गया समझो, कुछ भी डाला हो तो 30 रुपये का अगर और भी बढ़ा भी दिया तो 100 रुपये का माल है। और बेचना कितने में, 1 केजी ग्रास 3500 रुपी 100 ग्राम की बॉटल पर MRP डालनी है, और जो 350 की बॉटल होगी उस पर आप 40%, ये मतलब क्यों बोले तो जो ब्रांडेड का ऑलरेडी कर रहे हैं वो 10%, 12% और 3% पे होलसेल में काम करते हैं, तो उनको अगर हम 40% प्रॉफिट देंगे तो वो अपने पास में लेंगे ही लेंगे। फिर भी 3500 पे 40% जाने के बाद में भी 2100 रुपये में हम उनको देंगे, मतलब कि एक बॉटल 210 रुपये में हमने दी 350 के MRP, तो वो हैप्पीली लेगा कि यार 140 रुपये पर बॉटल पे प्रॉफिट है, तो वो अपना उनका देखेगा। मगर अपने को अपना देखना है कि यार 100 रुपये केजी का माल 2100 में बिक रहा है दोस्तों, इससे ज़्यादा क्या प्रॉफिट होगा? और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट 2-5-10 लाख की मशीन मैंने बोला भी नहीं है, 0 इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल। और आप अपने जब तक लॉकडाउन में 15 दिन घर पे बैठो तब तक ग्रोप के लिए आप अपने टेरेस पे जाके फार्मिंग कर भी सकते हो यार, फार्मिंग का भी मजा आएगा। और मतलब आफ्टर ऑल ये सक्सेस होना ही होना है, पार्ट टाइम जॉब के जैसा आप बाद में आप इसको मतलब मेन बिजनेस भी बना सकते हो, बहुत ही शानदार बिजनेस है। और इसमें ग्रोप है आपको पता होगा, श्री श्री पतंजलि या वैसे वैसे बहुत ही ब्रांड्स इसमें एक्टिव हो, बहुत बहुत बेच रहे हैं।
तो इसी हिसाब से मैं इस बिज़नेस की ग्रोथ के लिए आपको बोल रहा हूँ, इसमें आप आइए, बहुत ही अच्छा मौका है। और आपको उन्हीं की जहाँ पे वो सेल करते वहाँ पे ही जाइए, उन्हीं की शॉप पे जाइए और जाके मार्केटिंग करके आइए, अपना माल लेंगे ही लेंगे वो। और दोस्तों अभी बात रही जो मैंने बोला था टिप्स की, तो टिप्स यही है कि जो आप पैकेट बनाओ उस पैकेट के ऊपर एक ऑर्गेनिक का स्टिकर लगा देना, क्यों वैसे भी हम इसमें कोई पेस्टिसाइड या कोई यूज़ तो कर भी नहीं रहे, तो ये ऑर्गेनिक ही है। तो ये अगर एक ऑर्गेनिक से इस ब्रांड की गुडविल जो अपना और विथ ब्रांड से ही देना है उनको सप्लाई करना है, तो अपने ब्रांड की गुडविल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और 350 रुपी में विथ ऑर्गेनिक स्टिकर जाएगा। तो यार वो जो आगे का मतलब जो व्यापारी होगा ना वो अपना मार्जिन देखेगा और जो कस्टमर होगा वो भी सोचेगा यार ऑर्गेनिक है तो ले लेते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको बिजनेस आइडिया? अगर ऐसा और भी आइडिया चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। मैं मतलब खुद यूट्यूब नया यूट्यूबर हूँ, अभी आपके चैनल पे ये फ्रूट चल रहा है। तो दोस्तों ये जो फ्रूट्स है मतलब इसमें से एक तो एक फ्रूट है वो एक्चुअली इंडिया में अभी खेती हो रही है, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और सब इंडिया में फार्मिंग कम है तो इम्पोर्ट ही होता है। इसमें भी इंडिया में मेन इम्पोर्ट होता है आपके सामने जिसका फ्लैग चल रहा है उस कंट्री से। तो मैं दोस्तों उसी कंट्री का के कैपिटल में उस बंदे का जेन्युइन ऑफिस है, वहाँ के वेयर हाउसेज वगैरह, वहाँ के पूरे वीडियोज़ आपसे ऑलरेडी मैंने एक जेन्युइन सेलर से कांटेक्ट भी किया है और वो पूरी डिटेल आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगा। और इस फ्रूट को बेचना कहा है मतलब इवन आप डी मार्ट में भी, मैं बोल रहा हूँ डी मार्ट में भी आप खुद बेच सकते हो दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? ऐसे ऐसे आइडियाज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। एक्चुअली मैं खुद कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं तो एक खुद बिजनेसमैन हूँ, मगर यार अभी घर बैठे तो सोच रहा हूँ कि दोस्तों मैं भी आपके साथ कुछ शेयर करूँ। मेरे पास में ऐसे ऐसे अनेकों बिजनेस आइडिया है और मैं आपको दूंगा विद कम से कम इन्वेस्टमेंट में, आपको हो सकेंगे ऐसे भी देते रहूँगा। आप मेरे को मेरा हौसला बढ़ाना, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।